नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आसनों के बारे में जिनको करने से बदलते मौसम में वायरल रोगों से बचने में आपको आराम मिलेगा। सबसे पहला आसन है सर्वांग आसन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को एक साथ मिला लें और हाथों को शरीर की सीध में रखें। अब धीरे से पैरों को बिना मोड़े ऊपर की तरफ उठाएं। जैसे जैसे पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे वैसे वैसे कमर को भी ऊपर की तरफ उठाएं। कोशिश करें कि पैर और पीठ इतने ऊपर उठ जाएं कि 90 डिग्री का कोण बन जाए। फिर धीरे धीरे पहले की मुद्रा में आ जाएं। आप पीठ और कमर को उठाने के लिए हाथों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोहनियां जमीन से ही टिकी होनी चाहिए और चेहरा आसमान की ओर रहना चाहिए। सर्वांग आसन की खास बात यह है कि इसे करने से आपके शरीर के सभी अंगों को फायदा मिलता है, इसीलिए इसका नाम सर्वांग आसन है। इस आसन का नियमित अभ्यास आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको रोगों से दूर रखता है। बच्चों और युवाओं के लिए भी ये आसन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे शरीर का विकास बेहतर होता है और हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा इससे आपकी पाचन शक्ति ठीक रहती है और रक्त का शुद्धिकरण होता है। दूसरा आसन है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे करने के लिए सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठकर कमर को सीधा करें और आंखें बंद कर लें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर पूरी सांस बाहर निकालें। अब बाईं नासिका से सांस भरें और तीसरी उंगली से बाईं नासिका को भी बंद कर लें। जितनी देर स्वाभाविक स्थिति में रोक सकते हैं इसे रोकें। फिर दायां अंगूठा हटाकर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर दाईं नासिका से गर्दन उठाकर सांस को रोकें। फिर बाईं से धीरे से निकाल दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसा कि इसका नाम है, ये प्राणायाम नाड़ी का शोधन करता है। इस आसन के अभ्यास से रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और वायरल संक्रमण या रोगों के विषाणु आप पर असर नहीं कर पाते। इसके अलावा ये प्राणायाम मन को शांत और केंद्रित करता है। ये प्राणायाम श्वसन प्रणाली व रक्त प्रवाह तंत्र से संबंधित समस्याओं से मुक्ति देता है। बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन और वायरल रोगों का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द जैसी परेशानियां इस दौरान आम होती हैं। इससे बचाव के लिए आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और खाने पीने का ध्यान रखते हैं। इन बीमारियों का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। इसलिए अगर आप ऐसे योगासनों का अभ्यास करते हैं जिनसे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो आप इन वायरल रोगों और संक्रमण से बच सकते हैं। तो इस तरह इन योगासनों को करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।